जी एक बार बताना आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही है कि नहीं। एक बार जल्दी से बता दो आवाज़ क्लियर है कि नहीं। चलिए स्वागत है आप सभी का टीचर्स अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आपकी आगामी परीक्षा बिहार शिक्षक भर्ती 7वें चरण की करवाई जा रही है तैयारी। तो एक बार जल्दी से सारे लोग जुड़ जाए ताकि आज के सेशन को आगे बढ़ाएं, ठीक है। और आज का सेशन को स्टार्ट करते हुए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो आपसे ये पूछा जा रहा है कि नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है और यह है जिला कहाँ का है? उड़ीसा का, पश्चिम बंगाल का, पंजाब का या फिर आपका केरल का? तो कालाहांडी के बारे में आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा कि यहाँ पे एक बार अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ा था तो काफी लोगों को कुपोषण रोग हो गया। तो बताया जरा कहाँ पे है ये? कि नियमगिरी पहाड़ी कालाहांडी जिले में स्थित है और यह जिला कहाँ का है? ए उड़ीसा। उड़ीसा। चलिए क्या बात है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कालाहांडी इज अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। यहाँ एक बार अकाल पड़ा था, इससे कईयों बच्चों को कुपोषण रोग हुआ और ये कईयों सारे बच्चे मारे गए, ठीक है। तो ए विल बी द राइट आंसर। भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से लेकर 99,000 की आबादी वाले क्षेत्र को, एक शहरी क्षेत्र का नाम है, उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? द्वितीय श्रेणी के शहर में, तृतीय श्रेणी के शहर में, चतुर्थ श्रेणी के शहर में या प्रथम श्रेणी के शहर में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया एन अर्बन एरिया विद अ पॉपुलेशन फ्रॉम 50,000 to 99,000 इज नेम्ड एज क्लास सेकेंड टाउन, क्लास थर्ड टाउन, क्लास फोर्थ टाउन या क्लास फर्स्ट टाउन? क्लास थर्ड। पता है कि ऐसे टिल्ले दे रहे हो। चलिए तो किस में रखा जाता है? क्लास सेकंड टाउन में रखा जाता है, द्वितीय श्रेणी के शहर में रखा जाता है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है कि आपके पांच, ओ सॉरी, छह अलग अलग श्रेणियां रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। फर्स्ट श्रेणी में 1 लाख उससे ज्यादा, द्वितीय श्रेणी में 50,000 से 99,000 तक, तृतीय श्रेणी में 20,000 से 49,000 तक, ठीक है, 49,999 तक, चतुर्थ श्रेणी में 10,000 से लेकर 19,999 तक, पंचम श्रेणी में 5,000 से 9,999 तक, और लेस देन अगर 5,000 हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? श्रेणी छः, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र स्थित है पोकरण, सूरत भाटा, सूरतगढ़, रावत भाटा, चित्तौड़गढ़। ये 2011 सेंसस बेस्ड है ना सर? हाँ जी नंदिनी नाथ, उसके बाद तो सेंसस हुआ ही नहीं। देखो माइट बी पॉसिबल अगले साल या फिर उसके चुनाव के बाद जनगणना कराई जाए। ठीक है, तो राजस्थान में परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? ठीक है, तो परमाणु शक्ति केंद्र आपका कहाँ स्थित है? वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी रावत भाटा, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्टिंग नहीं पूछा गया है, एटॉमिक पावर प्लांट पूछा गया, ठीक है। न्यूक्लियर टेस्टिंग अलग होती है, जहां पे आपकी परमाणु मिसाइल टेस्ट करी जाती है उनको न्यूक्लियर टेस्टिंग बोलते हैं, और एटॉमिक पावर प्लांट जहां पे आपकी परमाणु भट्टी लगी हुई है उसको एटॉमिक पावर प्लांट संयंत्र बोलते हैं। रावत भाटा में टोटल भारत में 7 है, जिसमें अरे 2 सबसे ज्यादा आपके तमिलनाडु में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी सी। नेक्स्ट थिंग इज भारत में जनसंख्या घनत्व को व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया, प्रति वर्ग मील, प्रति लाख वर्ग मील, प्रति लाख वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर। इन इंडिया पॉपुलेशन डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर माइल, पर लाख स्क्वायर माइल, पर लाख स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर।
तो पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, जिसके हिसाब से बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, वो कैसे डिफाइन करी जाती है? वेरी गुड, पर यूनिट स्क्वायर किलोमीटर, डी विल बी द राइट आंसर, डी इसका सही जवाब। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, भारत की सबसे बड़ी जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? राज्य नहीं, राज्य नहीं, किस केंद्र कहां स्थित है? हटा, चल तुत तुत। जवाहर टनल, द लार्जेस्ट इन इंडिया, इज लोकेटेड इन? ठीक है, तो वेरी गुड, कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, और जम्मू कश्मीर आपका एक केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो यूटी हो गया है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ए, विल बी द राइट आंसर। भारत में आप आमतौर पर सर्दियों में साइबेरियन सारस को कहाँ देख सकते हैं? सासनगीर अभयारण्य में, रणथंबोर अभयारण्य में, दचिकम राष्ट्रीय उद्यान में, केवलादेव गाना अभयारण्य में? तो अक्सर कर भारत में हम साइबेरियन क्रेन, जो कि सर्दियों के टाइम में देख सकते, मतलब सर्दी नहीं होती उस टाइम पे, बट सर्दी का सीजन होता है, स्प्रिंग स्टार्ट होने वाली होती है। ठीक है, तो कहाँ देखते हैं? वेरी गुड, केवलादेव, भरतपुर के केवलादेव अभयारण्य में। ठीक है, दैट इज फोर डी विल बी द राइट आंसर। रोहतांग में? नहीं भैया, रोहतांग कहाँ, रोहतांग कैसे पहुंचे रहो तुम? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1980 में हुई थी, ठीक है, का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सर जी नमस्ते, नमस्ते, लखनऊ में, दार्जिलिंग में, कोलकाता में, ऊटा कमांड? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लाइट? नहीं, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस फ्लाइट नहीं, सबसे लॉन्गेस्ट फ्लाइट आर्कटिक टर्न की, आर्कटिक टर्न फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। साइबेरियन क्रेन आता है आपका साइबेरिया से इंडिया, तो ये ज्यादा बड़ा है कि ये ज्यादा बड़ा? ठीक है, तो वेरी गुड, कहाँ स्थित है? कोलकाता में, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, जंगली भैंसा, पक्षी, तेंदुआ और चीतल? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, SNP जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, शिवपुरी नेशनल पार्क, किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, तेंदुए और चीतल्स के लिए प्रसिद्ध है, डी विल बी द राइट आंसर। भारत की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है 69%, 72%, 74%, 80%? तो 2011 की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत है कितना? ठीक है, तो 68.94% है। ठीक है, आपका 2011 के अनुसार, तो 68.94 राउंड फिगर में करोगे कितना हो जाएगा? 69, ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज, भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व विश्व नेटवर्क में शामिल नहीं है? सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, कॉर्बेट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व? सुंदरबन, गल्फ ऑफ मन्नार, नंदा देवी, कॉर्बेट?
बी 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 क्या बात, क्या और सोच लो। चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी, कॉर्बेट। ठीक है, तो कॉर्बेट आपका, ठीक है, पहली चीज तो ये कोई बायोस्फीयर रिजर्व नहीं, इट इज नॉट अ बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, नंदा है 100%, सुंदरवन 100%, हाँ तो ठीक है कॉर्बेट नहीं है। ठीक है, और जो नहीं आते हैं वो है आपके कौन से, कोल्ड से ठिठुरी, रुमा, दीदी, ये छह नहीं आते। तो कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, शेषलम हिल्स, रन ऑफ कच्छ, ठीक है, देन मानस, दिहांग दिबांग और दिब्रू सैखोवा। ठीक है, नंदा है सर, नंदा है, बिल्कुल है, नंदा भी है सब गंदा भी है, क्वेश्चन ले गया एक नंबर, आप सी बताए थे, हाँ तुमको फोन किए थे ना, नहीं पूछा है तो नहीं है, कॉर्बेट है ही नहीं है, बायोस्फीयर रिजर्व ही नहीं है कॉर्बेट, नहीं पूछा है तो हाँ, तो वही तो बता रहे हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व है ही नहीं। क्या पढ़ाया तुम्हें, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 में से 12 मैप प्रोग्राम के तहत में आते, 6 नहीं आते। ठीक है, 6 ये नहीं आते, ये 6 लिखे हुए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, शेषलम हिल्स, रन ऑफ कच्छ, मानस, डिब्रू सैखोवा, दिहांग दिबांग। ठीक है, कॉर्बेट तो इन 12 में भी नहीं है, तो ले लो नाचो 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 नाचो, घटना में आज पड़ा है। अच्छा आर यू श्योर तुमने पढ़ा हुआ है, कॉर्बेट तो बायोस्फीयर रिजर्व ही नहीं है, ये सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि आपकी विश्व नेटवर्क इन 12 में से आते हैं। चलो, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है, सर आपका पैर ठीक हुआ लिटिल बिट, मोस्ट प्रोबेबली कल आ जाऊंगा, टेंशन मत लो, ब्रह्मपुत्र, ब्यास, रवि, झेलम। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया हुआ है बेटा, वो तुमको खुद सॉल्व करने हैं, जो थ्योरी पढ़ाई है उस बेसिस पे, झूठ कंडीशनल बोलती हो सर। चलो मैं तुम्हें 12 के 12 का नाम दिखा दूंगा, 6 तो तुम्हें पता ही लग गए, फिर भी तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, कॉर्बेट है ही नहीं, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ब्रह्मपुत्र, ए विल बी द राइट आंसर। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, तापी नदी, तापी नदी, महानदी, भीम नदी, गोदावरी। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है, सूरत द लैंड ऑफ डायमंड, हीरो का शहर, चल ले चले तुझे हीरो के शहर में, तिब्बत से निकलती है, वेरी गुड, यारलुंग सांगपो नाम है उसका तिब्बत में। ठीक है, तो वेरी गुड, तापी नदी के किनारे पे स्थित है, ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कामप्रयाग। थापी थापी थापी, लूनी, कच्छ के रण, सभी गुजरात। चलिए, तो वेरी गुड, देवप्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी। ठीक है,
आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। नेक्स्ट थिंग इज तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है। तलचर आपका एक प्लांट है, एक संयंत्र है जो कि आपका ओडिशा में है, बहुत फेमस है, किस चीज के लिए। भारी जल संयंत्र, जल विद्युत उत्पादन, केवल उद्योग या परमाणु रिएक्टर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एमजेड हैक। केदारनाथ है, क्या हो गया, डूब रहा, जाओ तुम लोग, डूब डाब जाएगा, बारिश बहुत हो रही है वहां पे। नो आड़ा, चलिए वेरी गुड। तो तलचर आपका किसके लिए फेमस है, ठीक है, हैवी वाटर प्लांट, भारी जल संयंत्र, यहां से आपका प्रोडक्शन होता है हैवी वाटर्स का, D2O का, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का, मोलिकुलर फॉर्मूला फॉर्मूला D2O, मोलिकुलर मास 20, H2O का कितना होता है 18 होता है, D2O का कितना होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का 20 होता है। किस कहां यूज करते हैं इसे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर, और जिन न्यूक्लियर रिएक्टर में D2O यूज होता है ऐसे रिएक्टर को हम स्विमिंग पूल रिएक्टर बोलते हैं, जिनमें ग्रेफाइट यूज होता है ऐसे रिएक्टर को हम एटॉमिक पाइल्स बोलते हैं। वाह वाह क्या बात। चलो, भारत में बिजली उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा किस प्रकार की बिजली का, हाइड्रो, ऊष्मीय, परमाणु, सौर। भारी जल मंदक के रूप में यूज होता है, वेरी गुड रंजीत कुमार, भारी जल और ग्रेफाइट दोनों मंदक। तो वेरी गुड, ठीक है। सबसे ज्यादा बिजली काहे से बनाई जाती है, थर्मल सेक्टर से, मतलब कोयला जलाकर, ठीक है। तो कोयला जलेगा तो आपकी बिजली बनेगी तो NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन आप सभी को बिजली प्रोवाइड करेगा। सर फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, बेटा फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए भी है और अपर क्लासेस के लिए भी है, दोनों के लिए भी है, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ना हमसे इजी क्वेश्चन करें, ठीक है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज संबंधित है कोयला क्षेत्र से, लौह अयस्क से, मैंगनीज अयस्क से, तांबा। बताओ पश्चिम बंगाल में, ठीक है, आपका किससे संबंधित है, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल आपका, ठीक है, किससे संबंधित है, ठीक है, कोयला क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है, और यहाँ आपका है रानीगंज, ठीक है, रानीगंज कोयला क्षेत्र सबसे पहला और सबसे बड़ा कहाँ है, झरिया झरिया झरिया। झारखंड में, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी कोयला क्षेत्र, ए विल बी द राइट आंसर। समुद्र जो हिमालय के स्थान पर विद्यमान था, मतलब पहले जहां हमारा हिमालय हुआ, मतलब सॉरी अभी जहां हमारा हिमालय है इसकी जगह पे एक पहले समुद्र हुआ करता था, जब हिमालय नहीं हुआ करता था, वो तो टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से पहाड़ चढ़ता चला गया और आ गया क्या सागर, वरना एक टाइम पे तो रेगिस्तान में भी पानी था, ठीक है, वहां से सागर निकलता था, और सागर का नाम क्या, लाल सागर, अरब सागर, तेतिस सागर, मृत सागर। सर कल का PDF सेंड नहीं किया, अभी भेज दूंगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, इस सागर का नाम क्या था, तेतिस, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, सतपुड़ा, ठीक है। तो विच इज नॉट द पार्ट, अपलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ द तेलंगाना प्लेट्यू।
निम्नलिखित में से कौन सा उच्च भूमि तेलंगाना पठार का हिस्सा नहीं है? सर थोड़ा साउंड बढ़ाइए, बढ़ा दी साउंड, वेरी गुड। अरावली, अरावली आपका राजस्थान क्षेत्र की तरफ आता है तो ये नहीं, ठीक है। अरावली आपका, सबसे अच्छी बात, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला देखिए बेटे, ओल्डेस्ट माउंटेन में आता है, ओल्डेस्ट माउंटेन। ठीक है, तो लोहे के शुद्धतम रूप को कौन सा है? स्टील है, कास्ट लोहा, पिग लोहा, रॉट लोहा। सर मैं वेस्ट बंगाल से हूं, आऊंगे तुमसे मिलने कभी, मोहम्मद शकील, बिल्कुल आएंगे। लोहे के शुद्धतम रूप को कहा जाता है स्टील, कास्ट आयरन, पिक लोहा, रॉट लोहा। तो वेरी गुड, सबसे जो बेसिकली कच्चा लोहा होता है, शुद्धतम रूप जो होता है, जो जस्ट निकलता है आपके विभिन्न अयस्कों से, उनको हम रॉट लोहा बोलते हैं, रॉट आयरन बोलते हैं। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी डी। नेप्थलीन का प्रमुख स्रोत है चारकोल, कपूर, तारकोल, डीजल। द मेन सोर्सेस ऑफ नेप्थलीन इज चारकोल, कैम्फर, कोलता, डीजल। मेरी भाभी भी वहीं की, सिलीगुड़ी। मोहम्मद शकील तुम्हारे साइड कोई स्कोंदो काता करके चलता है? स्कोंदो काता मतलब तुम्हारे साइड एक टेल चलती है, स्कोंद काता। तो द मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज चारकोल, कैम्फर, कोलता, डीजल। द मेन सोर्स ऑफ नेफ्थलीन इज, चलिए, तो नेफ्थलीन आपने कपड़ों में डलने वाली, ठीक है, एक बॉल देखी होगी जो कि कपड़ों के अंदर से बेसिकली भगाती है क्या, कीड़े वगैरह को। तो इसका मेन सोर्स या तो तारकोल रहता है या फिर आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। सर बंगाली सॉन्ग चला है, एकला चलो अरे। रेडियोथेरेपी में प्रयुक्त नोबल गैस, नियोन, आर्गन, रेडोन, जीनन। ठीक है, तो वेरी गुड। रेडियोथेरेपी में कौन सी गैस यूज करी जाती है? रेडो। और याद रखिएगा, रेडोन आपका एटमोस्फेयर में नहीं मिलती, ये आपका लिथोस्फेयर का पार्ट होती है, स्थलमंडल का, मतलब एकमात्र ऐसी गैस है जो कि स्थलमंडल में होती है। ठीक है सर, आपकी पेड क्लास का बच्चा हूं, आज पहली बार ऑनलाइन आ पाया हूं, कोई बात, हम आएंगे तुमसे मिलने जरूर। एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट, क्रायोलाइट, फाल्सपार, हेमेटाइट। जोड़ी तोर दाक्षोनी क्यों ना असे तो भी एकला चलो रे। आर्गन भी तो अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस तो बहुत सारी होती है बेटा। अक्रिय गैस तो हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनन है, रेडन है, ठीक है, बट ये सारी आपकी रेडियो एक्टिव नहीं होती। रेडियो एक्टिव गैस कौन सी है आपकी? रेडो। ये सारी अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस यहां से लेके यहां तक, बट एकमात्र रेडियोधर्मी जो है वो आपकी रेडॉन है, और ये लिथोस्फेयर में मिलती है। चलो, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बॉक्साइट। सबसे ज्यादा जो अयस्क मिलता है वो मिलता है आपका कौन सा? बॉक्साइट। ए विल बी द राइट आंसर। डैश
ग्लूकोज का एक बहुशाखित पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड मतलब बहुशर्करा है, जो जानवरों और कवक में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। सेलुलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन, काइटिन। आपको कितनी बार बोला अयोध्या, आप अयोध्या नहीं आए, आएंगे आएंगे। ज्योतिर्लिंग डाक्षुने क्यों ना आसे तो भी एकला चलो रे। सर नेट के एग्जाम में फर्स्ट पेपर कैसे प्रिपेयर करें, मेरा क्लियर नहीं हुआ इस बार में, बता देंगे भाई कैसे प्रिपेयर। चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ग्लाइकोजन, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ग्लाइकोजन हम सबका क्या है, ठीक है, स्टोर्ड फूड है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रेडियोधर्मी, गैर रेडियोधर्मी है मतलब नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जिरकोनियम। सर ऑप्शन, अरे मैं भूल जाता हूँ यार तुम लोगों के, मैं पांच ऑप्शन डालने, कल से पक्का, कल से पक्का, मेरे को क्लास में याद दिला दिया करो, जब पढ़ रहे होते हो ना क्लास में तब याद दिला दिया करो, सर आज की क्लास में पांच ऑप्शन ला। तो कौन सा आपका गैर रेडियोधर्मी है? चलिए तो देखो, यूरेनियम आपका ठीक है रेडियोधर्मी है, थोरियम आपका रेडियोधर्मी है, भारत में सबसे ज्यादा मिलता है, याद रखना भारत में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, थोरियम मिलता है केरला वेरला की तरफ में। प्लूटोनियम आपका ये भी रेडियोधर्मी है, जिरकोनियम आपका रेडियोधर्मी नहीं है, डी विल बी द राइट आंसर। वेरी गुड, थोरियम मोनोजाइट, मोनोजाइट अयस्क है उसका, शाबाश रंजीत कुमार, बहुत बढ़िया। चलिए, यूकलिप्टस के पेड़ बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर की पहाड़ियां, नीलगिरी हिल्स। अब तेजस्विनी चिल्लाएगी, आप टी सी बताए थे, अरे सी, इंग्लिश भी लिखे सर, इंग्लिश इंग्लिश। अच्छा, मैक्सिमम इन इंडिया, ठीक है, तो यूकलिप्टस के पेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। देखो यूकलिप्टस को एक तो आप सफेदा बोलते हो हिंदी में, या फिर आप नीलगिरी बोलते हो, तो नीलगिरी इसलिए बोलते हो क्योंकि नीलगिरी की पहाड़ियों की तरफ मिलते हैं, ठीक है ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अब नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं वो आपकी बेसिकली तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक तक एक्सटेंड करती है, तो मेजर जो पार्ट है इसका वो किस साइड आता है, तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, तो डी विल बी द राइट आंसर। हाल ही में भारत में जो जानवर विलुप्त हो गया है वह है सुनहरी बिल्ली, चीता, ऊनी भेड़िया, गेंडा। सर मुझे इंग्लिश नहीं आता, तो दोनों में तो लिख रहा हूं हिंदी और इंग्लिश में, तमिलनाडु की इंग्लिश हिंदी तमिलनाडु ही होगी, तमिल आडू थोड़ी हो जाएगी, केरल केरल ही होगी, करेला थोड़ी हो जाएगी, कर्नाटक चर्नाटक थोड़ी हो जाएगी हिंदी में, इसलिए उसके नहीं लिखे। एनिमी ऑफ एनवायरनमेंट, नहीं एनिमी नहीं बोल सकते आप, टेररिस्ट बोल सकते। चलिए वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी चीता एज वेल एज गेंडा, ठीक है, चीता और गेंडा दोनों ही आपका ठीक है एक्सटिंक्ट में आ चुके हैं, ठीक है, चीता तो आपके लाए गए हाल ही में, अभी रिसेंट में न्यूज में से आया है कि पहले हमारे यहाँ एक सुमात्रन राइनोसोर्स मिलते थे, ठीक है, तो सुमात्रन गेंडा जो मिलते थे वो आपके एक्सटिंक्ट हो चुके भारत से, विलुप्त हो गए, और इसके साथ चीता भी विलुप्त हो गया था, तो चीता तो ले आए हम कहां से, नामीबिया से उठा के, इनमें से आधे से ज्यादा चटक रहे हैं, है ना, तो सेकंड एज वेल एज फोर्थ बोथ विल बी द राइट आंसर, इज दैट क्लियर। इज दैट क्लियर, ये चीज क्लियर है,
ये गेंडे में कौन सा गेंडा आपका विलुप्त हो चुका है? सुमात्रन राइनोसोरस। कूनो में आया। हाँ तो रंजीत तभी तो आया क्योंकि हमारे यहां से विलुप्त हो गया था, भारत से तो गायब हो ही गया ना चीता, वो तो हम लेके आए हैं, अगर नहीं लाते तो भारत से गायब ही थे, हमने तो गायब चटका दिए। चले, प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधे उत्पन्न करते अकार्बनिक सामग्री, खनिज, जैविक सामग्री या फिर प्रोटीन? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट जनरेट, तो बी या डी की? दोनों दोनों। चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो क्या ऑप्टेन करते हैं हम? जैविक सामग्री। हमको क्या मिलती है? C6H12O6। मैंने आपको जब भी बताया कि जब भी कार्बन हाइड्रोजन साथ में हो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ बोलते। तो ये क्या है? कार्बनिक पदार्थ। तो सी विल बी द राइट आंसर। 26 ना आया, ना आया तू। चीता तो हमारे यहां से विलुप्त हो ही चुका है, भारत से दो स्पीशीज विलुप्त हो चुकी है, एक तो चीता विलुप्त हो चुका है, एक सुमात्रन गेंडा विलुप्त हो चुका है, ठीक है, ये रिसेंट में हुआ है। ये तो हम उठा लाए कहां से? नाभिभिया से। ये कहां से उठा के लाओगे? चलो, गन्ना एक प्रकार की लता है, वृक्ष है, झाड़ी है, घास? गन्ना एक प्रकार की शुगर केन इज अ टाइप ऑफ क्रीपर ट्री, श्रब्स या ग्रासेस? सारे के सारे गए? नहीं, अरे मेरी काकी, इंडिया में जब एक्सटिंक्ट हो गए थे चीते, इसलिए इस एक्सटिंक्शन को खत्म करने के लिए इंडिया में ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट कराया गया चीतों का। 12 आए थे, जिसमें से 6 या 7 चटक चुके, जल्दी बचे कुचे भी चटक जाएंगे। तो वेरी गुड, क्या है आपकी? गन्ना एक। तो शुगर केन इज अ टाइप ऑफ, शुगर केन इज अ टाइप ऑफ, तो वेरी गुड, घास, ठीक है सर। बैम्बू भी घास है। हाँ, बैम्बू लार्जेस्ट ग्रास, बैम्बू लार्जेस्ट ग्रास है, सबसे बड़ी घास, सबसे बड़ी घास। सारे नहीं मरे, अभी कुछ रह गए हैं। मलेरिया पैदा करने वाले कीटाणुओं की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड, चार्ल्स लुइस, अल्फोंस लावरेन, दिमित्री इवानोव्स्की, रोनल्ड रॉस? आठ आए थे, 12 आए थे, 12 भेजे गए थे बाद में। हाँ, उनके बच्चे बचे हैं ना अभी। तो वेरी गुड, तो किसने ढूंढा था? चार्ल्स लुइस, अल्फोंस लावरे, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी। अपनी खूबसूरत त्वचा के लिए मारे गए निम्नलिखित में से किस सांप को लुप्त प्राय प्रजाति घोषित कर दिया गया, एंडेंजर्ड स्पीशीज घोषित कर दिया गया है? पाइथन, अजगर को, किंग कोबरा को, रसल वाइपर को या करैत को? कुछ पैदा भी तो हुआ। हाँ, वो उन्हीं के साथ बच्चे आए थे, उनके बच्चे बचे हुए, मेल जो मेन है वो चटक गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक किल्ड फॉर इट्स ब्यूटिफुल स्किन? कौन मारा जाता है भाई सबसे ज्यादा? किंग कोबरा,
और सारे सांपों में सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़ा सांप है, द लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक अमंगस्ट ऑल पॉइजनस स्नेक इन द वर्ल्ड। हालांकि पॉइजनस टर्म गलत है, बट आप लोग पॉइजनस ही पढ़ते हो तो पॉइजनस ही। ठीक है, तो जितने भी जहरीले सांप मिलते हैं उन सभी जहरीले सांपों में सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है किंग कोबरा। ठीक है, बट मोस्ट पॉइजनस स्नेक, सबसे जहरीला सांप जो होता है वो आपका लैंड पे इनलैंड ताइपन है, अंतर्देशीय ताइपन है, अंतर्देशीय ताइपन, अंतरो देशीय ताइपन, ताइपन, ताइपन। और आपका क्या बोलते हैं उसको, अर्थ में पूरी पृथ्वी में हाइड्रोफिस, हाइड्रोफिस। नेस्ट बनाता है कोबरा। हाँ, नेस्ट बनाता है कोबरा। किट वाइपर नहीं बेटा, रंजीत, पिट वाइपर, पिट वाइपर, किट वाइपर नहीं होते, पिट वाइपर होते। ठीक है, चलिए। यदि भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो उन्हें इस्तीफे के पत्र को संबोधित करना होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपाध्यक्ष को, नहीं उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को या फिर वक्ता को, स्पीकर। सर नजर नहीं आ रहा, क्या नजर नहीं आ रहा? ठीक है, तो किसे इस्तीफा सौंपे? वेरी गुड, चीफ जस्टिस को। पक्का? आर यू श्योर, मतलब आर यू श्योर? इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉन्ट्स टू रिजाइन ही हैज टू एड्रेस द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू द, चलिए आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, इन एब्सेंस ऑफ उपराष्ट्रपति, इन एब्सेंस ऑफ वाइस वाइस प्रेसिडेंट वीपी, ठीक है, ही कैन एड्रेस इट टू सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जब छुट्टी वुट्टी पे होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम पे आपका सीजेआई को दिया, तो सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? चलो, भारत संविधान ने राज्य की शक्तियों और कार्यों को विभाजित किया गया। ठीक है, यहां राज्य मतलब कंट्री से होता है, स्टेट से नहीं है, क्योंकि आप पॉलिटी में जब भी राज्य पढ़ोगे वो राज्य का मतलब कंट्री होगा, स्टेट नहीं होगा। ठीक है, तो भारत संविधान ने राज्य की शक्तियों को और कार्यों को विभाजित किया दो सूचियों में, तीन सूचियों में, चार सूचियों में, पांच सूचियों। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, ठीक है, वेरी गुड, तीन सूचियों में, तीन तरह की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्कोरेंट लिस्ट। ठीक है, तो राज्य सूची, केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची। संसद सदस्यों का वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? बीच वाला देखिए एक बार प्लीज, बाद में देखेंगे। संसद सदस्यों का वेतन कौन निर्धारित करता है? संसद करती है, केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है, राष्ट्रपति करता है, सभापति करता है।
पैसा बटेगा कौन डिसाइड करेगा? वेरी गुड, केंद्रीय मंत्रिमंडल। फिर तो सब अपनी सैलरी बढ़ा ले, है ना, संसद करता, ए विल बी द राइट आंसर। अबे ओ नालायक हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल ही अपनी सैलरी डिसाइड कर लेगा कि हमको कितना पैसा मिलना चाहिए। फिर तो मुंह बोली मांग होगी, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। चलो, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया था? When were the fundamental duties incorporated in the constitution? When were the fundamental duties incorporated in the constitution? ठीक है, तो बाय द 42nd अमेंडमेंट, 42वें संशोधन, ठीक है, 1976 के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया। हमको मिला ही नहीं तो कहा जाने, बहुत बढ़िया। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता है? मेघालय, केरल, हरियाणा, गोवा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड 75 ही तो है। हाँ, तुम ही तो गई थी शपथ दिलवाने सब मौलिक कर्तव्यों की। चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां लगता है? गोवा में लगता है, ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। चलिए, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे 20वां देखो, 20वां गलत बताया, सही है बेटा, नेप्थलीन। नेप्थलीन कोल तार से मिलता है या फिर आपका पेट्रोलियम से मिलता है, दोनों जगह से ले सकते। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है, टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू। प्रिंट प्रिंट 90 इवनिंग सेकंड। गोवा कब से हुआ? कसम से मेघालय था। हाँ, तुम ही तो लगवा के आई थी तेजस्विनी, तुमसे ही तो पूछ के मेघालय के लोग सारे नियम कायदे कानून बनाए। हाँ, अभी सेंड कर रहा हूं तौहीद आलम। चलो, तो टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।